नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। चना छोले तो आप लोगों ने बहुत बार खाए होंगे। आज मैं आप लोग को सबसे सरल तरीके से चना छोले बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं ये छोले, 3-4 बार पानी से धोकर रख लिए हैं, 4 घंटे सूख करके रखे हैं। उसके लिए मैंने थोड़ी सी कटी हुई प्याज और लहसुन लिया है और थोड़ा सा दही लिया है। ये मैंने प्यूरी, टमाटर प्यूरी बना के रख ली है, थोड़ी सी कटी प्याज रखी है। इसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है, लाल मिर्ची ली है, हल्दी ली है, धनिया लिया है, एक कश्मीरी लाल मिर्ची है, थोड़ा सा मैंने ये तेज पत्ता लिया है, एक ये लिया है, थोड़े इलायची ले ली है और एक ये थोड़ा सा अदरक है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल देते हैं, ये इसी के साथ उबल जाएगा। इसको उबलने रख देते हैं, तब तक ये उबलेगा तब तक मैं इसकी प्यूरी बना लूंगी। दालचीनी डाल दी मैंने, तेज पत्ता डाला है, थोड़ा सा थोड़ा इलायची डाली है। उसके बाद मैं कटी हुई प्याज डाल देती हूँ। साथ में थोड़ी सी अदरक, प्याज को अच्छा ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, ये लाल मिर्ची है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और ये धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और नमक छोले में डाला था इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। इसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी जो बना के रखी थी वो डाल दी। और इस मसाले को अच्छी तरह से सिकने देते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों देखिए चना उबल गए हैं। मैंने 2 चम्मच चना निकाल लिए हैं और जो प्याज डाली थी इसको मैश कर लेते हैं किसी से। आप चाहे मिक्सी में भी इसको प्यूरी के साथ कर सकते हैं। मैंने इसे कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो मिला दिया है, देखिए दही, देखिए ये दही रखा था मैंने, अब इसी में इतना दही मिला देते हैं इसको। और इसको पकने देते हैं थोड़ा सा। मसाला सिक्का तैयार हो गया है, किस तरह अच्छे से कलर आ चुका है उसका। इसके बाद और इसमें छोले डाल देते हैं, ये देखिए। इसके बाद इसमें छोले मसाला डाल देते हैं। देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसको अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।